राजनगर के चायलामा युवक मिलन समिति के तत्वाधान में चालियामा में दो दिवसीय नॉकआउट फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन पोटका चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनूप मंडल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनूप मंडल ने कहा कि खेल के माध्यम से आपसी भाईचारा बढ़ता है एवं शारीरिक तथा मानसिक बौद्धिक का विकास होता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का आयोजन बड़ा ही सराहनीय कदम है। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन मैच हाता क्रिकेट टीम एवं अन्ना स्पोर्टिंग चालियामा के बीच खेला गया। इस उद्घाटन समारोह में श्री दामदास, दीनू दास, मानो दास, यदु मंडल, तरुण मंडल, खोखर मंडल, मीठू मंडल, लोकेश मंडल, दुलाल मंडल, तारक दास, सूरज दास आदि का योगदान रहा। मिलन समिति के तत्वाधान में आज दो दिवसीय क्रिकेट मैच का यहाँ पर शुरुआत हो रही है। बहुत ही सराहनीय बात है कि दूर दराज गाँव में भी आज क्रिकेट का प्रचलन है। क्रिकेट की इस खेल से सभी लोगों का भाईचारा बढ़ती है और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक बौद्धिक बल का विकास भी इस खेल के दौरान सभी का होता है। ये बहुत ही अच्छी एक पहल है और मुझे यहाँ आज इस टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका मिला, इसलिए मैं युवक मिलन समिति को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक डॉक्टर अनूप जी का और युवक मिलन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो हमारे यहाँ आए और अपने शुभ हाथों से इस खेल का शुभारंभ किए हैं। और इस खेल में कुल 32 टीम भाग लिया हुआ है अभी तक और 3 ओवर का खेल है। फुल आर्म सर्किल बोलते हैं इसको, फुल आर्म सर्किल खेल है और हम लोग इसलिए नाइट में रखे हैं कि दिन में सब किसी का सब तो सब कोई ड्यूटी जाता है और सब किसी का फुर्सत नहीं रहता, इसलिए हम लोग इसको नाइट में रखे हैं। और हाँ ये हम लोग का कमेटी से पहली बार किया जा रहा है और इससे सभी आसपास के गांव के साथ अपना भाईचारा बढ़ता है, इसलिए हम लोग इसको रखे हैं। घाटशिला के दुबराजपुर में आदिवासी कमार लोहार समाज की एक बैठक मुकेश कर्मकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कमार समाज के लोगों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष मुकेश कर्मकार ने कहा कि समाज के लोगों को एकत्रित करना एवं समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाना उनका मूल उद्देश्य है। इस मौके पर सुभाष कर्मकार, दुबराज कर्मकार, मंगल कर्मकार, जोगेंद्र नाथ कर्मकार, नोगेन कर्मकार, अनिल कर्मकार, जितेंद्र नाथ कर्मकार, नोरेन कर्मकार समेत काफी संख्या में समाज के लोग बैठक में शामिल हुए। संगठन के अध्यक्ष मुकेश कर्मकार, दुबराज कर्मकार एवं सुभाष कर्मकार ने संयुक्त रूप से GTN को बताया कि आगामी 3 मार्च को दामपाड़ा के लेदा में सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें इस चैनल के माध्यम से समाज के जितने भी लोग हैं उनसे इस सम्मेलन में भाग लेने की अपील की गई है। दामपाड़ा में जो है आदिवासी कमार लोहार समाज का एक बैठक मुकेश कर्मकार के अध्यक्षता में किया गया था। तो बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है हमारे समाज के लोग दूसरे समाज की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारा समाज का जो है जितना विकास आज़ादी के 70 सालों में होना चाहिए था वो विकास हमारे लोहार जाति के लोगों का नहीं हो पाया है। इसी के संबंध में हम लोग एक चर्चा बैठक के दरमियान किया गया। इसमें और भी दामपाड़ा के जैसे लेदा, दुबराजपुर, रावताड़ा और विभिन्न जगह से लोग थे जो अपना अपना विचार उस बैठक में मैंने व्यक्त किए। तो उसका निष्कर्ष यही निकला कि आने वाला समय में
तीन तारीख को जो है वो हमारा आदिवासी कंवर लोहार समाज का एक सम्मेलन हम लोग दमपाड़ा में रखने जा रहे हैं, और उसमें उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी बरसों से जो मांग है सरकार से कि आदिवासी कंवर लोहार समाज को जो है आदिवासी जनजाति में शामिल होने का, क्योंकि जब तक हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हमारा समाज का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग जो हमारे जाति के जो लोग हैं वो सरकार से ये मांग है कि हम लोगों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, ताकि हमारे समाज का भी पूर्ण रूप से विकास और हमारे समाज के लोग भी आगे आए आगे बढ़े। मेरा गांव में एक बैठक किया गया, इस बैठक में काफ़ी लोग उपस्थित हुए और हमारे जो कमाकार लोहार समाज जो है जो खतियान में हमारा कमार लिखा हुआ है पहले, जो आदिवासी ये में आते हैं लेकिन सरकार अभी तक हम लोग को आदिवासी एसटी में शामिल नहीं किया गया, इसके चलते हम लोग सरकार से सीधी लड़ाई लड़ेंगे जो हमारे कास्ट को एसटी का दर्जा दिया जाए और हमारे आने वाले भविष्य को ठीक से जो बच्चा है आगे हम लोग को भी पढ़ाई उड़ाई में सुविधा मिले, क्योंकि हम लोग आदिवासी में ना शामिल करने के बावजूद काफ़ी पिछड़ा हुआ है और हमारा परिस्थिति बहुत ही खराब है। यही बोलते हम अपना जो करते हैं, हम लोगों ने दामपाड़ा ग्राम लदा ग्राम में जो बैठक हुआ उसमें सारे दामपाड़ा के जो हमारे समाज के लोग थे, जो कमार समाज का बर्ताव हुआ वहाँ पर, जो आगे के लिए सरकार से हम लोग का मांग है कि हमारा कमार समाज के जो फैसिलिटी आदिवासी सूची में शामिल किया जाए, ताकि हमारा बच्चा को जो पढ़ाई लिखाई में ऊंचा क्लास में हम लोग पढ़ा पाए, और फैसिलिटी नहीं के होने के कारण आज 60-70 साल हो गया आज़ाद होने के बावजूद भी हम लोग को वंचित रखा गया है, ऊंचा पिछड़ी जाति में घोषित किया है, इसी के कारण आज तक हम लोग लाभ से वंचित है सरकार की ओर से। मैं आशा करता हूं कि आगामी जो 3 मार्च को जो निर्णय लिया गया है हम लोग उस लेदा ग्राम में बैठक के लिए, और मैं विशेष जानकारी देते हैं कि जहाँ जहाँ हम लोग का समाज के लोग है वो अधिक से अधिक संख्या पर आकर इस सभा में शामिल हो और हम लोग आगे की रणनीति तैयार करने के लिए मजबूत होकर सरकार से लड़ पाए और हमारा अनुसूचित जनजाति जो लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं उसमें हम लोग को लाभ मिले, एसटी का दर्जा मिले। इन्हीं शब्दों के लिए मैं हमारा वाणी को समाप्त करता हूँ। कमार समाज जिंदाबाद। मुसावनी अंतर्गत सुरदा माइंस में कार्य करने के दौरान मिट्टी धंसने से कार्यरत कर्मचारी संदीप राय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें नाजुक स्थिति में अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दी। खबर मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, जिला उपाध्यक्ष सागेन पूर्ति, केंद्रीय संगठन सचिव जगदीश भगत, राजा पूर्ति, विक्रम वेसरा, संदीप परिडा अस्पताल पहुंचे एवं मामले की जानकारी ली। सरकार द्वारा साजिश के तहत 11 लाख से अधिक आदिवासियों को उसके जमीन से बेदखल करने के खिलाफ SUCI ने धारशिला के गोपालपुर फाटक के समीप एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। नुक्कड़ सभा के दौरान इस मामले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए सरकार से अपील की गई। इस दौरान आशा रानी पाल, पूर्णिमा टूडू, दसमत किस्कू, धन सोरेन, श्रीमन बारिक, सुनीता हांसदा समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जम्मू के पुलवामा में हुई आतंकी घटना में जो हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, उस घटना के बाद पूरे भारत में शोक और पाकिस्तान के खिलाफ क्रोध की भावना थी और सभी भारतवासी भारत के प्रधानमंत्री से यही उम्मीद लगाए थे कि
कब इसका बदला लिया जाए। और आज हमारे सैनिकों द्वारा एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में घुसकर 350 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसकी खुशी में आज राजनगर प्रखंड के हिंसल बाजार में लोगों में काफी उत्साह देखी गई। लोगों ने दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम के नारे लगाए और हमारे देश के प्रधानमंत्री को बधाई दी। इस मौके पर मुख्य रूप से कुबेर सारंगी, उज्जवल मोदक, भीमसेन मंडल, भरत महाकुर, अजीत मंडल, कंचन मंडल, सत्यवान परीक्षा, नरेंद्र महतो और राजनगर की जनता मौजूद थी। अमर रहे भारतीय सैनिकों की जय। वंदे मातरम भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ हाँ बहुत खोलो उसको, तो हम फोटो तो चेक कर लेंगे। तुम्हारा फोटो हमको पसंद नहीं आता। कश्मीर के पुलवामा में हमारे भारत के 40-50 जवानों को आत्मघाती हमला से शहीद कर दिया था, और उसी दिन से पूरा देश उद्वेलित था कि इसका बदला ले आ जाना चाहिए। सभी भारत के लोग इकट्ठा हो गए, एक मत हो गया कि नहीं, इसको सबक सिखाना जरूरी था। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कसम खाया था कि इसका खून का एक एक कतरा का हम हिसाब लेंगे। और आपको जानकारी होगा कि कल रात 3:40 में पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायुसेना ने लगभग 400 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मौत का घाट उतारा। उसी का खुशी में आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज देश पूरा गर्व से सर उठा ऊंचा हो जा रहा है, और घुसकर हमारा सैनिक ने, वायुसेना ने बदला लिया है, उससे सबक मिला है पाकिस्तान को कि भविष्य में इस तरह का कभी जरूरत नहीं करेगा। बहुत देश के लिए गर्व की बात है जो 40 का जगह में, सैनिक का जगह में 300 को आतंकवादी को मार गिराया है। इसके लिए सैनिकों ने बहुत कुछ अच्छा काम देश के लिए कर रहा है, और ऐसा हो जोश देश में नौजवानों को होना चाहिए। और आतंक को मार के गिराए और देश को रक्षा कीजिए, और देश के लिए आज गर्व की बात है जो आज घर घर के घुस घुस के जो आतंक को मार रहा है, बहुत अच्छा की बात है।